भगवानपुर प्रखंड की असगनपुर खेल मैदान में स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज टूर्नामेंट का उद्घाटन माधोपुर महोत्सव पंचायत के मुखिया उमेश सिंह ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पंचायत के लोग मौजूद रहे। उद्घाटन मैच भगवानपुर और इमादपुर के बीच खेला गया। उद्घाटन के दौरान मुखिया उमेश सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना का संदेश देते हुए कहा कि वो भी खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मैदान में खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाता है। इस दौरान सभी खिलाड़ी खेल नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल दिलों को जोड़ने का काम करता है। दो विपरीत टीमों के समर्थक एक साथ बैठकर मैच का आनंद लेते हैं। इसी तरह समाज में भी आपसी द्वेष भुलाकर लोगों को भाईचारा कायम करना चाहिए। वहीं आयोजन समिति ने बताया कि असगनपुर में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जिसमें जिले की नामी टीमें शामिल होती हैं। और आज के निर्णायक महोदय पवन कुमार सिंह और उदय नारायण सिंह जी रहेंगे। और हेलो और आज के मुख्य अतिथि का चित्र बताइए। कोई भी खेल, कोई भी रंग क्षेत्र, कोई भी चुनाव, कोई किसी प्रकार का देश के बीच का मुकाबला होता है, उसमें एक व्यक्ति की एक टीम की जीत होती है और एक की हार होती है। इससे निराशा नहीं होना चाहिए कि हम हार गए हैं, क्यों हारे हैं, कैसे हारे हैं, उसमें क्या कमी रह गई हमारे पास, जिसके कारण हम उस प्रतिद्वंदी टीम से हम अपने हार कर आज घर जा रहे हैं। उस पर मंथन करना चाहिए और भाईचारे के रूप में आप लोग से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग भाईचारे के रूप में इस असगनपुर के फील्ड में स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है आज, जो मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसको आप सब सदस्य सभी खिलाड़ी मिलकर हमें संतुष्ट करेंगे कि हम लोग भाईचारे के रूप में यहाँ खेल खेलेंगे और यही हमारी मनोकामना है। कभी भी आप लोग अपने अंदर आत्मा से हमारे पास आएंगे, हमसे जहाँ तक जो संभव होगा आपका मदद करने में हम एक कदम पीछे नहीं रहेंगे। हर हाल में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हम कोशिश करेंगे। भगवानपुर टीम का अगर कोई बराबर खिलाड़ी है तो वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। धीरज बॉल आ गया, धीरज बॉल, दू बॉल आ गया। ये सवर की दूसरी गेंद शिलावेल हो राजी भाई विदेश के द्वारा सीधे गेंद फुटस गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। दूसरी गेंद बिना किसी रन के 30 गज के घेरे के अंदर ही गेंद फील्ड कर दी गई विकास के द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर है। ठीक है, अगली गेंद फिर से फुल टॉस गेंद और सीधे उठाकर मारा है गेंद के सीधे सीमा रेखा के बाहर।